108 मेगापिक्सल कैमरा, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन एंड क्रेजी प्राइसिंग, सब कुछ एक फोन में डाला जाए तो ये फोन बनता है। दिस इज Redmi Note 13 5G जो कि हमें 17,000 में देखने को मिलता है। वैसे ये रहा इस फोन का बॉक्स, चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के अंदर तुम्हें मिलता है इसका एक केस और साथ में ऑफकोर्स ये फोन एंड यस चार्जर बॉक्स के अंदर है। सब कुछ साइड में करते हैं और फोन को देखते हैं। ओहो यार, सच में ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और तुम देखो यार कितना थिन बेजल, एकदम ना के बराबर है। और ये फोन सिर्फ 7.6 mm का है, थिनेस्ट नोट है, एकदम मस्त डाइट करके चिकना हो चुका है। और यहाँ पे जो तुम डिस्प्ले देख रहे हो ये भी बहुत ही कमाल का है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल दिया गया है एमोलेड 120Hz वाला डिस्प्ले। सच में काफी स्मूथ है, बहुत ज्यादा मजा है इसको यूज करते हैं। और इसके डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, मतलब अगर नॉर्मली मान लो हाथ से गिर जाता है तो फिर कुछ होगा नहीं इस फोन को। वेल बात करें अगर कैमरास की, तो फिर पीछे है ये 108 मेगापिक्सल्स का सेंसर एंड ब्रांड के हिसाब से इधर 3x तक लॉसलेस जूम हो सकता है। चलो टेस्ट करके देखते हैं। भाई एक्चुअली में यहाँ पे लॉसलेस जूम हुआ 3x तक एंड क्वालिटी में कोई भी डिग्रेडेशन मुझे तो देखने को नहीं मिला, अच्छा लग रहा है। अभी फ्रंट कैमरे को टेस्ट करते हैं। और बाकी मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी कैप्चर किया, लाइक 1x में कैसा आ रहा है, उसके बाद 2x में कैसा है, 3x में कैसा है, वाइड में कैसा है। तो 1x में काफी अच्छा काम किया, 2x में भी किया, वाइड में थोड़ा सा मेरे को ऑफ लगा, लाइक ऑब्वियसली डिटेल्स आपको थोड़ा सा कम मिलेगा फॉर श्योर, और थोड़ा सा कलर्स भी कम है, बट स्टिल आप पोस्ट में ठीक कर सकते हो इसको। और पोर्ट्रेट भी ट्राई किया, लाइक आप यहाँ पे अपर्चर को कस्टमाइज कर पाओगे बिफोर कैप्चरिंग द फोटो एंड आफ्टर एज वेल। सीधी बात, आप यहाँ पे बोके को कंट्रोल कर पाओगे और यहाँ पे वीडियो सैंपल भी तुम देख सकते हो। सो 1x में वीडियो क्वालिटी तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और वाइड लेंस के साथ तुम्हें कुछ ऐसा फुटेज देखने को मिलेगा। और इसके फ्रंट कैमरे का वीडियो फुटेज कुछ ऐसा है, सेम ही है। माइक कैसा लग रहा है? मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, चलता है। मेरे ख्याल से 17,000 रुपए में इसमें जो कैमरा सेटअप उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है वो काइंड ऑफ गुड टू गो टाइप का है, मतलब चलता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत अच्छा। वैसे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो फिर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि डिस्प्ले का बहुत ही बढ़िया है सीरियसली। और एक प्लस पॉइंट भी है कि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है एंड ये छेद भी तो है हेडफोन्स घुसाने के लिए। सो कोई भी मूवीज, वेब सीरीज या फिर यूट्यूब वीडियोस को तुम बहुत ही आराम से देख पाओगे। सो मैंने वीडियोस चला के देखा, बहुत सारे वीडियोस कंटेंट कंज्यूम किया, करने के बाद ना लाइक जैसे कि आप लोगों ने वीडियो पर देख लिया होगा कि इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो कितना सही है, इसी वजह से ना दिखने में काफी अच्छा लगता है वीडियोस। और हाँ काफी कलरफुल भी है और पंच होल कैमरे के वजह से अच्छा लगा मुझे वीडियो देखते टाइम। सो यार डिस्प्ले के मामले में सही है, बाकी यहाँ पे अगर इस साइड पे एक स्पीकर रहता तो फिर अच्छा रहता। वैसे इसका वीडियो क्वालिटी और साउंड आउटपुट क्वालिटी एक बार तुम देख लो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अभी बात करते हैं बैटरी के बारे में। इसका बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत बढ़िया लगा मुझे, मतलब इतना स्लीम डिजाइन के बावजूद 5000 mAh का बैटरी देना काफी सही चीज है, साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग भी है, तो तुम्हें बैटरी रिलेटेड कोई भी इश्यूज आना नहीं चाहिए। भाई वो थोड़ा एसी बंद कर देना, ठंड लग रहा है। नहीं करेगा कोई नहीं, क्योंकि इधर आयर ब्लास्टर है, इससे एसी ऑफ कर सकता हूं ना। ये Redmi का हमेशा एक सिग्नेचर रहता है, अच्छा लगता है, शो ऑफ कर सकते हैं किसी भी जगह जाके कैफे में, वो टीवी ऑफ कर दो बस। अभी बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो इधर दिया गया है MediaTek Dimensity 6080 प्रोसेसर, इसमें तुम फ्री फायर वाले गेम्स बहुत ही आराम से खेल पाओ। साथ में एक प्लस पॉइंट भी है कि ये 5G सपोर्ट करता है ये प्रोसेसर, और हमने यहाँ पे 5G नेटवर्क को टेस्ट भी किया, बहुत ही प्रॉपरली 5G काम कर रहा है। सो यही था इस फोन का एक हैंड्स ऑन रिव्यू टाइप का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ मैं ट्राई करूंगा इसका जो मेन USP है, इसका कैमरा 108 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा सेंसर, उसको एकदम प्रॉपरली डेडिकेटेड वे में यूज करके उसके बाद जो भी फीडबैक है, जो मेरा ओपिनियन है, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट करूं। सो मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि और क्या क्या देखना चाहते हो इस फोन के, तो फिर मैं ट्राई करूंगा उनको कवर करने के ऑब्वियसली। वैसे इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनको अभी अभी पता चला है इस खूबसूरत डिवाइस के बारे में और वो ईगरली वेट कर रहा है परचेस करने के लिए, तो फिर उनको ना एकदम रफ आइडिया लग जाएगा कि फोन कैसा बढ़िया है, काफी स्लिम ट्रिम है, अच्छा लगा मुझे यूज करके। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो जरूर शेयर करना, उनका भी फायदा होगा मेरा। और हाँ अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, सो गुड बाय।